रहेंगे मजदूर किसान, जहां भूमि वही मकान, लेकर रहेंगे मजदूर किसान। सभी भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन देना होगा, देना होगा, देना होगा। बिहार विधानसभा में बजट सत्र जो चल रहा है वो कहीं न कहीं लगातार हंगामेदार देखने को मिल रही है। और बजट सत्र में सदन शुरू होने से पहले राजद और माले के विधायकों के द्वारा सदन के बाहर जमकर बवाल काटा गया। राजद और माले के विधायकों का मांग एक ही था, भूमि सुधार कानून जो है उसको उसमें सुधार करने की जो है बातें कह रही थी। साथ साथ जल जीवन हरियाली को लेकर के जो बिहार में अवैध खनन हो रहे हैं उसको रोकने की बात कर रही थी। साथ साथ जो भी झुग्गी झोपड़ी जो शहरों में लोगों का उजाड़ा जा रहा है बस्ती, उसको लेकर के तो कहीं ना कहीं जो राजद और माले का जो पर्सन था वो कहीं ना कहीं एक ही विषय पर था, जो भूमि सुधार कानून जो है सरकार लाए, भूमि सुधार कानून में जो है तेजी लाए। तमाम जो पर्सन है राजद और माले का हम आपको दिखाने, जरा आप देखिए जी किस प्रकार से राजद और माले के विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया है। हमारे साथ अरवल से विधायक हैं, उनसे हम बात करेंगे। जल जीवन हरियाली के नाम पर गरीबों की बदखली नहीं चलेगी, क्या कर रहे हैं? देखिए, जल जीवन हरियाली के नाम पर ये इनको पर्यावरण का मामला नहीं है, सवाल है इनको गरीबों को उजाड़ना है। जल जीवन हरियाली के सवाल को लेकर के ये जो है गरीबों उजाड़ों का अभियान चला रहे हैं। पहले गरीबों के व्यवस्थित करें, उसको बंदोबस्ती का व्यवस्था करें, पहले अल्टरनेटिव व्यवस्था करें, तब उनको उजाड़ने का ये है। ये कोर्ट का ये फैसला है कि जब तक उनको व्यवस्था नहीं करेंगे, उनके पास कोई जमीन नहीं है, कोई घर नहीं है रहने के लिए, और उनको आप उजाड़ दे रहे हैं, ये कहाँ का है सवाल है भाई? मानवता के खिलाफ है। आप देखिए कि एक तरफ ये उजाड़ रहे हैं और दूसरे तरफ जल जीवन की बात कर रहे हैं। बालू का खनन जिस तरह से हो रहा है, और बालू जानते हैं कि बालू जो है पानी को पकड़ के रखता है, और बालू जिस तरह से निकाले जा रहे हैं और उसको भरा नहीं जा रहा है, उसमें जो डालने का जो प्रोसेस है, जहां से निकाल दिएगा वहां पर आपको डालना है। आप उस क्षेत्र से भी आते हैं तो क्या मांग उठाने वाले हैं? हाँ, ये उसमें हमने देखा कि सोन नदी के किनारे ये पहली दफा, इस बार के पिछले साल जेठ में ये पहली दफा है जो सोन नदी के किनारे के गांवों में चापाकल सूख गए, जो कभी भी नहीं चापाकल सूखता था। तो ये बहुत बड़ा मामला है ना। और ये जल जीवन हरियाली की बात कर रहे हैं, जल बचाने की बात करते हैं, दूसरे तरफ ये धड़ल्ले से प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। क्या लागू करने की जो है आवास नीति की बात है? नीतीश जी जब पहली बार सत्ता में आए थे तो उन्होंने बिहार में जमीन के सवाल को लेकर के एक भूमि सुधार आयोग का गठन किया था। पूरे बिहार के गरीबों में विश्वास जगी थी कि अब हमें जमीन मिलेगा, लेकिन हमने देखा कि भूमि सुधार आयोग डी बंदोपाध्याय के नेतृत्व में पूरे बिहार के जमीन की जांच हुई, और जांच में 21 लाख एकड़ जमीन निकल करके आया, जो जमीन जो है सरकार की है, जो जमीन जो है सीलिंग से फजूल है, बड़े बड़े स्टेट जो है कब्जा किए हुए हैं, उस जमीनों को उन्होंने रिकॉर्डमेंट में कहा कि इस जमीन को गरीब भूमिहीनों को दिया जा सकता है, इसको जोतने के लिए किसानों को दिया जा सकता है, गरीब किसानों को। लेकिन नीतीश जी जैसे ही ये मामला उठा, बिहार के बड़े भूमि जमींदारों के दबाव में, बिहार के स्टेट लैंडलॉर्ड के दबाव में, उन्होंने तुरंत सरेंडर कर दिया। और उस आयोग क्या मांगे रखेंगे? सिफारिश को तुरंत खारिज ठंडे बस्ते में डाल दिया। हम लोग मांग कर रहे हैं कि डी बंदोपाध्याय आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लाया जाए, और उसके जरिए बिहार के हर गरीबों को रिपोर्ट के आधार पर जमीन दिया जाए, और जो अमीनों की कमी है उसकी बहाली की जाए। कर्मचारियों की जो कमी है वो अपने दलाल को रख करके जो दाखिल खारिज में अवैध वसूली करते हैं उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। गरीब किसानों के पास जमीनें नहीं है या छीनी जा रही है? बिल्कुल, उनके पास जो 3 डिसमिल जमीन देने का जो बात था वो आज तक कहाँ पूरा हुआ? कहाँ दे रहे हैं? दलित महादलित बस्ती में सड़क कहाँ है? सरकारी सड़क कहाँ है? सरकारी सड़क बनाए वो टोला में गरीब जो जहाँ दलित महादलित बस्ती है उसमें सरकारी सड़क बनाने का काम करे सरकार। नहीं, सरकार तो कह रही है हर जगह रोड बन रही है। काम कर रहा है? आप चल के देखिए मेरे साथ, दलित महादलित बस्ती में देखिए क्या स्थिति है, नहीं हो रहा है। दलित महादलित में आज भी वो पगडंडियों पर चलते हैं। जाति देखकर काम हो रहा है? बिल्कुल, जाति देख करके वो लोग काम करते हैं।